IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल रोड सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत आज सिवान पहुंचे हुए हैं गीता वाले बाबा के नाम से मशहूर बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी। तो संजीव मिश्रा जी से हम बात करेंगे कि मेरा देश मेरा माटी क्या अभियान है और इस अभियान के तहत क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले संजीव मिश्रा जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन, आपका भी स्वागत। किस अभियान के तहत सिवान पहुँचे हुए? देखिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी देश स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है मेरी माटी मेरा देश, तो बिहार में भी एक कार्यक्रम है और इस निमित्त आज कार्यक्रम के दौरे पर संगठन के कार्य से मैं सिवान में हूँ। तो मेरी माटी मेरा देश का थीम है कि भारतीय जनता पार्टी गांव गांव से मिट्टी को इकट्ठा कर रही है और वो मिट्टी शहीदों के गांव के मिट्टी होंगे, आम लोगों के गांव के मिट्टी होंगे। उस मिट्टी को हम लोग एकत्रित करेंगे और जिला केंद्र पर लाएंगे, जिला केंद्र से उसको भरकर बड़े कलश में वो मिट्टी हेडक्वार्टर पटना यानी बिहार की राजधानी पटना पहुंचेगा और वहां से सभी माने 3800 सरकारी जिला और 45 हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जिले हैं, वहाँ से मिट्टी इकट्ठा करके हम लोग पटना लाएंगे और पटना से ये मिट्टी एक कलश बड़े कलश के रूप में बनकर भारतीय जनता पार्टी के तमा फेफड़ा कैंसर टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। ये नई दिल्ली पहुंचेगा और वहां पर उस मिट्टी का हम लोग अमृत वाटिका, जो मिट्टी देश से पहुंचेंगे उसकी अमृत वाटिका बनेगी। इसके साथ ही हम लोग गांव से गांव गांव घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गांव गांव घूम रही है और हम लोग चावल का भी कलेक्शन कर रहे हैं और चावल का कलेक्शन करके उसका चावल से खीर बनाइए और खाइए और खिलाइए साथ में, माने सहभोज कहिए उसको, सामाजिक समरसता कहिए, जो कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मेरा माटी मेरा देश वाला जो अभियान है, इस अभियान के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? नहीं, ये उद्देश्य है कि जो शहीद हुए भारत की आज़ादी में, तो उनके गांव जैसे जीरादेई में, आप ही के सिवान जिले में जीरादेई में के जो घर स्थल है, उनका आवास स्थल, पूर्व राष्ट्रपति देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के गांव की मिट्टी भी जाने वाली है, वो मिट्टी पटना पहुंचेगी कलश में और उस कलश से वहां नई दिल्ली तक पहुंचेगी। तो और आम लोगों का गांव का भी मिट्टी हम लोग अमृत वाटिका बनाएंगे जिसमें प्रयोग करेंगे। क्या लगता है 2024 चुनाव की तैयारी के तहत ये सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। 24 घंटे तत्पर रहती है, एक एक कार्यकर्ता उनके काम में लगे रहते हैं और जहाँ तक 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो हमारे यहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, तो जिनके नेतृत्व में भारत आज G20 देखा, G20 संपन्न हुआ, कितने राष्ट्रों के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति आए और सफलतापूर्वक G20 भारत की धरती नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो हम कहना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव जरूर है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कार्यकर्ता पूरी शक्ति झोंकना चाहते हैं, पूरी अपने के तन मन झोंक देना चाहते हैं और पूरे कार्यकर्ता मनोयोग से तैयार हैं और हम 2024 का लोकसभा चुनाव में बिहार से 40 से 40 सीट
नरेंद्र मोदी जी के झोली में देने वाले हैं। G20 के बारे में बात करेंगे, पहले अभी सबसे ज़्यादा देश में अगर चर्चा का विषय है तो इंडिया और भारत को लेके सोशल मीडिया पे ट्रोल्स भी किया जा रहा है भाजपा को। इंडिया से भारत में जो नाम है वो बदलने के पीछे क्या रीज़न है? इंडिया का मतलब भी, क्योंकि आप पासपोर्ट उठा लीजिए, आधार कार्ड उठा लीजिए, जहाँ इंडिया लिखा हुआ है वहाँ भारत भी लिखा हुआ है, तो आखिर नाम बदलने के पीछे क्या, जो इंडिया गठबंधन बना है उसको देखकर बीजेपी डर रही है जिसके कारण नाम बदल रही है? देखिए, प्राचीन काल से भारत ही नाम रहा है, भारत सनातन के नाम से जाना जाता है, भारत भूमि के नाम से जाना जाता है। और जहाँ तक तकनीकी सवाल इंडिया और भारत का आपने कहा, तो मैं कहना आपको यही चाहता हूँ कि आपका संविधान जो भारत का है उसके प्रस्तावना के प्रथम पेज पर भारत मेंशन है। तो जब भारत मेंशन है तो आप इंडिया कहें या भारत कहें, तो भारत कहने में क्या गुनाह है? भारत से मातृत्व का बोध होता है, हम भारत माँ कहते हैं, हम इंडिया माँ कहते, किसी को सुना है क्या? कभी नहीं सुना होगा। तो हम लोग भारत माँ के संतान हैं, ऐसा मानते हैं। और पूरे संविधान में शब्द का प्रयोग है भारत, भारत, भारत। अगर कांग्रेस के लोगों को पेट में बेचैनी है, या राजद के लोगों को, या जदयू के लोगों को, तो अगर बेचैन है तो बेचैनी की दवा खरीद कर खा सकते हैं, इसमें क्या बुराई? पहले नाम बदलने के लिए क्यों नहीं प्रयास किए गए? जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है तब से बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई दिख रही है। अगर इंडिया का गठबंधन हुआ है तो कोई भी दल विभिन्न दलों को मिलाकर अपना गठबंधन बनाने के लिए तैयार है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आप बताइए कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी भारत यात्रा पर निकले और अभी हाल के दिनों में भारत यात्रा का वर्षगांठ मना रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इंडिया यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी जी? जब राहुल गांधी जी को भारत सबसे प्रेम है तो बाकी उनके लोगों या उनके दलों के लोगों को अप्रेम क्यों? ये तो समझ में विषय आ नहीं रहा है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, सनातन संस्कृति का शब्द है भारत, भारत प्राचीन शब्द है, भारत का मेंशन है भारत के संविधान में, तो गलत क्या है? लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल्स किया जा रहा है बीजेपी को कि सवाल पूछ रहे हैं, जो भी जनता है वो सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया जो पहले हर जगह पे, आप आधार कार्ड उठा लीजिए, पासपोर्ट उठा लीजिए, वहाँ भी इंडिया लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ आप नाम चेंज करेंगे? देखिए, कहीं से देखिए, नाम चेंज करने का कोई सवाल नहीं है। जो भारत के संविधान में है कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होंगी और उस बैठक के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी, तो जो निर्णय आने हैं लोकसभा के, जो निर्णय आने हैं राज्यसभा के, जो निर्णय भारत की सरकार के आने हैं, तो हम लोग भारत की सरकार भी तो कहते हैं। नाम तो चेंज हुआ है, G20 सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे तो पहले नेम प्लेट में इंडिया लिखा हुआ जाता था, लेकिन अभी भारत लिखा हुआ था, नाम तो चेंज हो रहा है। नहीं तो भारत अगर लिखा है तो आपके माध्यम से हम शुभकामना देना चाहते हैं और मजबूती से कहना चाहते हैं कि भारत सबसे मातृत्व का बोध होता है, तो हम भारत माँ कहते हैं इसलिए, और भारत की मिट्टी कहते हैं कि इंडिया की मिट्टी तो कहते किसी को देखा नहीं। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि भारत शब्द से राहुल गांधी जी को पहले से प्रेम है, तो जब उनके नेता को प्रेम है तो ये जदयू, राजद और बाकी जो है माले और बाकी गठबंधन के लोग उनके पीछे पीछे चलें और भारत सबसे प्रेम करें। G20 सम्मेलन की बात कर ले तो मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं? नहीं नहीं, देखिए, संविधान के अनुकूल जो नियम है, और G20 का सम्मेलन था, सबको निमंत्रण गया था, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदया का निमंत्रण आया और उस भोज कार्यक्रम में भाग लेने गए, तो हम लोग तो बिहार की ओर से उनको शुभकामना दिए कि आपको भोज में आमंत्रण है, जाना चाहिए, ये तो प्रोटोकॉल है और ये तो अच्छी बात है बिहार के लिए।
और जिस तरह से मुलाकात हुई, बयानबाजियों का दौर शुरू है, आकलन किए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी और जदयू का फिर से गठबंधन देखने को मिल सकता है। देखिए परिस्थितियां कब कैसे बनती है वे सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मुलाकात आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से हुई है उनकी, तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर देश चलाना है, बिहार चलाना है, दुख सुख बांटना पड़ेगा ना भाई। दुख सुख बटेगा तब तो राज्य का विकास, देश का विकास होगा, चर्चा होगी तब तो विकास होगा। बिहार में क्या मानते हैं, क्राइम का क्या स्तर है? जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कई कई पत्रकारों की हत्या भी जारी है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए अपराधियों का तांडव बिहार में जारी है। अपराधी महागठबंधन की सरकार में नंगा नृत्य कर रहे हैं अपराध की दुनिया में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पटना की बात करना चाहता हूँ, राजधानी मुख्यालय की बात करना चाहता हूँ, जहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी खुद रहते हैं, उनकी पूरी कैबिनेट रहती है। आपको बता दें जुलाई माह में 31 दिन में 30 हत्याएं हुई और मान के चलिए कि 18-20 चोरी हुए, डकैती हुए, चैन छीनने की घटनाएं राजधानी के अंदर। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? 3800 जिला, एक जिला पटना और 37 जिला का हाल तो इससे बुरा है। कहीं पत्रकार की हत्या हो रही है, कहीं किसान की हत्या हो रही है, कहीं मजदूर की हत्या हो रही है, तो मैं बता रहा हूँ कहीं दरोगा की हत्या हो जा रही है। क्या कर रहे हैं बिहार के DGP, क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, क्यों लगाम नहीं है नीतीश कुमार का अपने शासन और प्रशासन पे? यही होगा क्या? आप सत्ता में आए थे, आप सत्ता में इस बात से आए थे कि हम क्राइम को कंट्रोल करेंगे, कहाँ क्राइम कंट्रोल है? क्राइम का ग्राफ इतना बड़ा हुआ है कि आज दिन दहाड़े ऐसी ऐसी घटनाएं बैंक लूट की हो जा रही है कि लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ क्या कंट्रोल है शासन प्रशासन पर, आप बता दें थोड़ा। कोई कंट्रोल नहीं है, आपके जो सरकार के अधिकारी हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घटनाएं हो रही है, एक भी अपराधी को सजा तक नहीं मिल रहा है। ये तो काफ़ी दुखद और चिंताजनक बात है बिहार राज्य के लिए। तो क्या चाहते हैं योगी सरकार की तरह यहाँ भी एनकाउंटर है अपराधियों का? मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश चले जाइए आप, गुजरात चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, अगर अपराधी नंगा नाच करते पकड़े जाएंगे तो वहाँ हर्ष वही होता है कि मिट्टी के अंदर गाड़ दिए जाते हैं। आप तीनों स्टेट या जहाँ भाजपा शासित राज्य है, जहाँ सरकारें, अपराध करने की छूट किसी को नहीं है, और अपराधी अगर हैं, अपराध अगर किए हैं तो आप पर मुकदमा है, मुकदमा के अनुसार जेल के अंदर चक्की को पीसिए और सलाखों के पीछे रहिए। बिहार में बीजेपी की भी सरकार बनती है तो अपराधियों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा? अगर बिहार में अपराधियों की सरकार बनती है, बिहार में अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको कहना यही चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास में विश्वास करती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनता है तो बिहार में अपराधी हवाई चप्पल भी नसीब नहीं होगा, उनको नंगे पांव राज्य छोड़कर भागना पड़ेगा। चलिए, तो ये संजीव कुमार मिश्रा जी हैं जो बिहार बीजेपी के प्रवक्ता है और इन्होंने बहुत सारी बातें की। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।